नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में नेशनल हाईवे को लेकर। बिहार में सड़कों की स्थितियों को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे। यहाँ की सड़कें और बिजली को लेकर कई तरह की बातें होती भी रही, लेकिन अब बिहार सरकार यह दम भरती है कि 5 घंटे में आप अपने जिला मुख्यालय से प्रदेश की राजधानी आ सकते हैं और यहाँ आकर आप अपना काम करके घर भी जा सकते हैं। इन सब बातों को बताने के पीछे सरकार की एकमात्र मंशा यही होती है कि बिहार में सड़कें पहले से बेहतर हो गई है, यानी कि अब लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में आने और जाने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि प्रदेश में कई नए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया गया है और कईयों की स्वीकृति मिली हुई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अब सड़क मार्ग से भी दूसरे राज्यों में आने जाने में लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार में बहुत ही जल्द नेशनल हाईवे के 21 प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला है। बता दें कि इन सभी प्रोजेक्ट के तहत 1500 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। बता दें कि इन प्रोजेक्ट के तहत 3 एक्सप्रेसवे का भी नाम शामिल है, जिसका नाम है असम दरभंगा वाराणसी कोलकाता और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। जिन 21 प्रोजेक्ट पर काम होना है उसमें 6 परियोजनाओं का टेंडर जारी हो चुका है, जबकि प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी और भी जो प्रक्रिया है उसमें भी आगे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका कि DPR अभी तैयार में चल रहा है, यानी कि निर्माण कार्य में लगा हुआ है कि उसको जो है कैसे आगे बढ़ाया जा सके। बता दें कि इन सभी प्रोजेक्ट को लेकर NHAI के अध्यक्ष ने समीक्षा भी की है। कहा जा रहा है कि इस वित्तीय साल में सभी परियोजनाओं का विभागीय स्तर पर काम पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को अगले साल तक ग्राउंड में जो है वो शुरू होता हुआ दिख जाएगा आपको, रोड पे जो है वो काम जो है जमीनी स्तर पे जो है वो दिखने लगेगा। बता दें कि इन परियोजनाओं के अधिकतर नई सड़क है, जिसका लाभ प्रदेश के सभी जिले को लोगों को मिलने वाला है। तो आइए अब एक नज़र जान लेते हैं इन परियोजनाओं के बारे में। दानापुर से शिवाला से लेकर भीटा तक का एक्सप्रेसवे है, उसके बाद चौरमा बरगनिया पटना रिंग रोड का कन्हौली और शेरपुर का हिस्सा ये होगा अलग। बहादुरगंज किशनगंज ये शेरपुर दिघवाड़ा पुल मानिकपुर से लेकर साहिबगंज तक का और उमराव से लेकर सहरसा बकरपुर डुमरिया भाया मकेर अमनौरा और बैकंठपुर तक ये जाएगी। आदलवारी से मानिकपुर तक का ये एक्सप्रेसवे होगा। उसके बाद जो है अगला जिक्र किया गया वो साहिबगंज अरेराज तक का नेशनल हाईवे बनेगा। राजापट्टी फैजुल्लापुर और चकिया तक का जो है ये नेशनल हाईवे जाएगा। पटना से आरा होते हुए सासाराम तक का जो है एक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, उसमें रजौली और बख्तियारपुर तक का जो है एक दूसरा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। मुजफ्फरपुर से बरौनी तक का जो है ये एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो मोकामा से मुंगेर तक का नेशनल हाईवे है, बक्सर से वाराणसी नेशनल हाईवे, मुजफ्फरपुर से सोनबरसा नेशनल हाईवे और मटिहानी से समहो नेशनल हाईवे जो है, इतने नेशनल हाईवे जो है एक तरह से कह लें कि प्रस्तावित है, जिस पर कि काम चल रहा है। कईयों पर काम चल रहा है, कईयों का DPR बनकर तैयार है और कईयों को जो है जमीनी स्तर पर उतारने की बात जो है वो कही जा रही है। तो ऐसे में बिहार सरकार जब कहते हैं कि बिहार में सड़कों की जाल बिछी हुई है, वो चाहे जदयू के मंत्री हों या BJP के मंत्री हों, इन सब के पीछे कहने का एक ही तर्क होता है कि यहाँ की सड़कें पहले से बेहतर हुई है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए।